हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था और ये प्रोग्राम हमने बनाया था जिसमें हम थ्री पैरामीटर्स को या फिर आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं। ठीक है जी, पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स सेम ही होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने टाइप्स फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, आज के वीडियो में हम रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने ये वाला फंक्शन क्रिएट किया था, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा था हमें। मतलब कि हम इसमें ही रिजल्ट जो है वो प्रिंट करवा रहे थे, ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं कर रहा था। तो हम जो फंक्शन का जो भी रिजल्ट होगा उसको रिटर्न भी करवा सकते हैं। तो रिटर्न हम कैसे करवाएंगे, लेट से हमने यहाँ पे ए बी और सी का जो सम किया है उसको हम इसमें प्रिंट ही करवा रहे हैं। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा जो ये फंक्शन है एड, ये इस रिजल्ट को रिटर्न करे। तो रिटर्न ये कैसे करेगा, तो सिंपल हमें यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट को हटा दूंगा और प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा दूंगा, और प्रिंट को हटाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल रिटर्न का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न, ठीक है जी, रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। तो ये जो फंक्शन है ये इस वैल्यू को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो रिटर्न जब ये करेगा तो मतलब कि जहां से ये फंक्शन कॉल हो रहा है इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो यहां पे आ जाएगा। तो इस रिजल्ट को मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो लेट से हम इसे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। लेट से यहां पे मैं सम नाम का एक वेरिएबल ले लूंगा और जो ये रिजल्ट है ये सम में सेव हो जाएगा और यहां पे हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे। तो यहां पे मैं लिख दूंगा सम इज इक्वल टू, यहां पे सम को हम प्रिंट करवा देंगे। ठीक है जी, तो हम अपने हमारा जो भी रिजल्ट होगा, जो भी फंक्शन कैलकुलेशन करके हमें रिटर्न करेगा, उसको हम पहले एक वेरिएबल में सेव करेंगे और बाद में उस वेरिएबल को यहां पे प्रिंट करवा देंगे। ठीक है जी, तो चलिए अब इसको रन करके हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं एक बार इसको रन करके आपको दोबारा से सारा फ्लो समझा दूंगा प्रोग्राम का, ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं रन करूंगा, तो ये देखिए ये हमें बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे मैं 10 पर एंटर कर दूंगा, सेकंड नंबर उसको 20 कर दूंगा, थर्ड नंबर को 30 कर दूंगा। ठीक है, तो ये देखिए ये बोल रहा है सम इज 60। तो ऐसे हम वैल्यूज को रिटर्न भी करवा सकते हैं। अभी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हमने तो एड फंक्शन जो है उसको डिफाइन किया है। ठीक है जी, एड फंक्शन क्या कर रहा है, इसमें हम थ्री आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स का मतलब कि डेटा, मतलब कि या फिर आपको इसको डेटा या सिंपल भाषा में इसको वेरिएबल्स भी बोल सकते हो। ठीक है जी, लेकिन फंक्शन की लैंग्वेज में इसको हम आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो हम इसमें थ्री पैरामीटर्स पास कर रहे हैं और इन पैरामीटर्स को क्या कर रहा है ये फंक्शन, सिंपल उनको एड करके और जो उसका रिजल्ट है उसको रिटर्न करवा रहा है। तो ये रिजल्ट रिटर्न कहाँ पे होगा, जहां पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है जी, जहां पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है ये जो रिजल्ट है ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं ए में 10 पास किया, बी में 20 पास किया और सी में 30 पास किया, तो इसका जो सम है 60, वो 60 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो ये कंप्लीट फंक्शन है एड, यहाँ पे 60 आ जाएगा और जो 60 है वो सम में असाइन हो जाएगा और हम क्या कर रहे हैं, सम को यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हमारा जो फंक्शन है वो वैल्यूज को रिटर्न करता है। अब लेट सपोज कि हमारा जो फंक्शन है वो किसी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है जी, अगर मैं सिंपल इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूं, यहाँ पे अगर मैं लेट से इसको प्रिंट कर दूं, अगर हम किसी फंक्शन से कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करवा रहे तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा नन। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखिए हम एड को कॉल करा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा वो वैल्यू आएगी। अब हमारा फंक्शन तो यहाँ पे तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो देखते हैं सम में क्या असाइन होगा। अगर मैं इसको सेव करके रन करूं, अगर मैं सेव करके इसको रन करूं तो ये हमसे सबसे पहले तो वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए बोलेगा। ठीक है जी, तो ये देखिए सम इज नन, हमारा जो फंक्शन है वो रिटर्न नहीं कुछ कर रहा, ये प्रिंट कर रहा है। लेकिन हम यहाँ पे अकेले फंक्शन को कॉल नहीं करा रहे, जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करवा रहा है उसको हम सम में असाइन करवा रहे हैं। तो रिटर्न ये क्या कर रहा है, रिटर्न ये नन कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ से फंक्शन को कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहे। तो ये ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा। तो इसलिए ये
ना ना यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे रिटर्न कर दूँ तो अब ये हमारा जो रिजल्ट है उसको रिटर्न कर रहा है, ठीक है जी। तो जो भी ये रिजल्ट रिटर्न करेगा वो सम में आ जाएगा, और सम को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगर मैं अब इसको सेव करके रन करूँ प्रोग्राम को, तो ये हमें रिजल्ट रिटर्न करवाएगा। सबसे पहले मैं 20 कर दूंगा, फिर 30 कर दूंगा, फिर उसके बाद 40 कर दूंगा। तो ये देखिए जो रिजल्ट आ रहा है 40 + 30 70, 70 और 20 90, तो ये हमें 90 यहाँ पे प्रिंट करवा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी हमारी रिटर्न स्टेटमेंट, कि रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू फंक्शन जो भी कैलकुलेशन करके रिजल्ट हमें देता है उसको हम रिटर्न करवा सकते हैं एक वेरिएबल में, या फिर हम डायरेक्टली भी इसको यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। लेट से अगर मैं यहाँ पे ऐड इसको सम में ना असाइन करवाऊं, और यहाँ पे मैं ऐड को ही यहाँ पे प्रिंट करवा दूं, ठीक है जी। तो सम को मैं हटा दूंगा और इसकी जगह पे सिंपल ऐड को ही प्रिंट करवा दूंगा, तो भी हमें ये सेम ही रिजल्ट देगा, क्योंकि जो ये रिजल्ट दे रहा था उसको हम एक वेरिएबल में सेव कर रहे थे और फिर उस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहे थे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम किसी वेरिएबल में रिजल्ट को प्रिंट ना करवाएं, डायरेक्टली हम उस फंक्शन को ही यहाँ पे प्रिंट करवा दें जो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो भी हमें ये सेम ही रिजल्ट देगा। चलिए इसको भी एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 10 करूंगा, फिर 20 करूंगा, फिर 30 करूंगा, तो ये देखिए तब भी हमें ये सम रिटर्न करवा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे हम यूज करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट का अपने फंक्शन में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।